हेलो, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम CBSE क्वेश्चन पेपर 2024 सेट नंबर 35-1 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इफ यू वांट सच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Question is, the greatest number which divides 281 and 1249, leaving remainder 5 and 7 respectively. ठीक है, क्या है, ध्यान से सुनो। पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको कि एक ऐसा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर ये 281 और 1249 को, उस नंबर को मैं x बोल देता हूँ, डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना आता है 5 और यहाँ रिमाइंडर कितना आता है 7। ठीक है, तो अगर मैं ये 5 इसमें से माइनस कर दूँ, 7 इसमें से माइनस कर दूँ, तो हमारे पास ऐसे दो नंबर आएंगे जिनको x कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स हमको उसका क्या निकालना है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 5 है एक और एक है 7, इनको एक ऐसा नंबर डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा, यानी 4 और 6 को ये नंबर x अब कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो मतलब इसका क्या निकालेंगे हम, HCF, क्योंकि वो फैक्टर होगा, इन दोनों का फैक्टर होगा तो वो क्या आएगा, HCF इनका 2, तो 2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1-1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसी क्वेश्चन को करेंगे हम। अब सुनो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो करना कैसे, ये तो मैंने बताया तरीका, मतलब हम HCF क्यों निकालेंगे वो बताया मैंने। ठीक है, HCF क्यों निकालेंगे वो बताया। ठीक है, अच्छा अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। जब भी तुमको डिवाइड्स दिखे तुमको HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, HCF, डिवाइड्स जब भी दिखे तो HCF फाइंड करना है। अब एक टर्म और आती है, वो है डिविजिबल बाई, उनमें तुमको फाइंड करना है LCM। ये दो चीज़ें अच्छे से पकड़ लो। और अगर क्वेश्चन रिमाइंडर वाला हो तो HCF वाले में पहले माइनस होगा रिमाइंडर, फिर HCF निकलेगा, और LCM वाले क्वेश्चन में पहले LCM फाइंड करेंगे और जो रिमाइंडर है उसको प्लस कर देंगे। ये दो तरह के इस क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो HCF वाले में क्या करेंगे, पहले रिमाइंडर को माइनस करेंगे एंड देन वी विल फाइंड HCF, और LCM वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड LCM और फिर जो रिमाइंडर है वी विल ऐड देम। ठीक है, उन नंबर में ये जो भी अपना LCM आएगा उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, यहाँ पहले माइनस करके फिर उनका HCF फाइंड करेंगे। चलो तो करते हैं, समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है, डिवाइड्स आ रहा है तो हमको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो रिमाइंडर आ रहा है उनको माइनस कर देते हैं नंबर्स में से। तो हमको क्या करना है, 281 माइनस 281 में रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो 5 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 276, और ये है 1249, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस कर देते हैं जो कि है 7, क्या आएगा 1242। अब इन दोनों का हमको HCF निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा काम है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन LCM वाला होता तो, डिविजिबल बाई होता तो यहाँ क्या करते, पहले हम इन दोनों का LCM निकालते और रिमाइंडर फिर सेम आता, कॉमन आता। ठीक है, एक ही आता रिमाइंडर, तो उसको ऐड कर देते, सिंपल। चलो, तो इन दोनों का अब हमको क्या निकालना है, HCF। तो 276 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 276 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
फिर 23 इज़ ए प्राइम नंबर, तो 23 से ही डिवाइड होगा। ऐसे ही हम 1242 में करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर दोबारा 2 से होगा क्या? नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो बीच में 0 आएगा, है ना, वो ध्यान रखना। 0 क्यों आएगा पता है ना? 621 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, तो 0 बचेगा। फिर हमने 2 को ब्रिंक डाउन किया, फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो 0 पुट करेंगे, देन वी विल पुट 1, तो 3 7 जा 21, तो क्या आएगा 207 का। अभी 27 मत कर देना, यहाँ कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और ये मिस्टेक हो जाती है, नो प्रॉब्लम। फिर ये दोबारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 23 इज ए प्राइम नंबर, 23 से ही डिवाइड होगा। तो हमने 276 के प्राइम फैक्टर्स किए, क्या आया? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 23। फिर हमने 1242 के किए, क्या आया? 2 into 3 into 3 into 3 into 23। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं वो ले लेते हैं। यहाँ आया 2, फिर एक आ रहा है 3, और एक आ रहा है 23। बस क्या कोई और कुछ मिल रहा है ऊपर नीचे कॉमन? नहीं मिल रहा, इनको नहीं करना है ना, ऊपर नीचे होना चाहिए। तो हमने लिखा कॉमन में से एक लेंगे 2, यहाँ से आया 3 और यहाँ से आया 23, तो ये हो गया 2 3 जा 6 into, अरे 23 था, 26 नहीं, 23, 6 into 23, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18, 1 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 और 1 13, सो अपना आंसर आ गया 138। क्या आंसर आया हमारा? 138, ऑप्शन सी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, तो क्वेश्चन था हमारा ग्रेटेस्ट ऐसा नंबर फाइंड करना था विच डिवाइड्स, तो डिवाइड से पता चल गया वी नीड टू फाइंड HCF। 281 और एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 5 and 7, तो फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर एंड देन फाइंड HCF। तो HCF फाइंड कर दिया, हमारा आंसर आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।